अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू funboy.com। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में दो डिवाइसेस का कंप्लीट कंपैरिजन शेयर करने वाला हूं। एक तरफ मेरे पास है इन्फिनिक्स हॉट 11S और दूसरी तरफ मेरे पास है टेक्नो कैमन 17। आज की वीडियो के अंदर देखेंगे कि कौन सी डिवाइस ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और आप लोगों को कौन सी डिवाइस को कंसिडर करना चाहिए। अब वैसे यहाँ पे दोस्तों वैसे देखा जाए तो सबसे पहला डिफरेंस जो आपको दोनों डिवाइसेस के लिए देखने को मिलेगा वो यहाँ पे मोबाइल साइज़ का डिफरेंस है। यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 11S काफ़ी ज़्यादा मैसिव डिस्प्ले के साथ आता है और यहाँ पे डिस्प्ले का जो साइज़ है वो है 6.78 इंचेस का, जबकि उसी तरफ अगर कैमन 17 की बात की जाए तो उधर आपको 6.6 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है और वहाँ पे जो डिस्प्ले का जो साइज़ है उसके कम होने की वजह से मोबाइल जो है वो कॉम्पैक्ट साइज़ का है। और यहाँ पे हॉट 11S की अगर बात की जाए तो ये मोबाइल फ़ोन जो है वो टॉल रेशो के अंदर आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर उसी तरफ रिफ्रेश रेट की साइड पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोनों मोबाइल 90 हर्ट्ज़ तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं और साथ में अगर यहाँ पे वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको हॉट 11S के अंदर देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 1080p तक की रेजोल्यूशन की सपोर्ट का है, जबकि उसी तरफ यहाँ पे 720p तक की आपको सपोर्ट देखने को मिलती है कैमन 17 के अंदर। और बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन से होता ये है कि जब भी आप कोई वीडियो को प्ले करेंगे तो हॉट 11S के अंदर उसकी जो क्वालिटी है वो वीडियो रेजोल्यूशन की साइड पे ज़्यादा बेहतर रहेगी एज़ कम्पेयर टू कैमन 17, क्योंकि कैमन 17 सिर्फ 720p तक की रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है जबकि इन्फिनिक्स हॉट 11S यहाँ पे 1080p तक की रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले की जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी वो इन्फिनिक्स हॉट 11S की साइड पे मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मोबाइल क्योंकि थोड़े से बड़े डिस्प्ले के अंदर अवेलेबल है तो बहुत सारे लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता। लेकिन एनीवे यहाँ पे अगर आपको वैल्यू टू मनी डिस्प्ले की तरफ जाना है तो मेरे हिसाब से हॉट 11S आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू दे देगा कैमन 17 के मुकाबले में। एनीवे दोस्तों यहाँ पे फर्दर बात करते हैं, लेकिन अगर आपने इन दोनों मोबाइल फ़ोन की डिस्काउंटेड प्राइस को जानना है तो आज की वीडियो के अंदर मैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन की डिस्काउंटेड प्राइस को भी शेयर करूंगा, तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा ज़रूर देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, आज की वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक पे सेट करते हैं और साथ में आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको बर वक्त टाइम पर मिल सके, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मैं इन्फिनिक्स हॉट 11S के मज़ीद कंपैरिजन और साथ में इस मोबाइल फ़ोन की जो पबजी टेस्ट है, चार्जिंग टेस्ट है, इसके अलावा काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस को अपलोड करने वाला हूँ। एनीवे दोस्तों यहाँ पे अगर डिस्प्ले के अलावा बिल्ड क्वालिटी की साइड पे बात कर ली जाए तो यहाँ पे वैसे तो दोनों मोबाइल की जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक की रखी गई है, लेकिन यहाँ पे जो कैमन 17 की बैक आपको देखने को मिलती है उसके ऊपर वहाँ पे कोई स्टिकर टाइप की चीज़ अप्लाई की गई है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे बैक है वो मैट टाइप की आपको देखने को मिलेगी और वहाँ पे जो फील है वो काफ़ी हद तक अच्छी आती है। जबकि उसी तरफ यहाँ पे अगर हॉट 11S की बात की जाए तो यहाँ पे ग्लॉसी लुक आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि शाइनी से आपको लुक प्रोवाइड करता है और ये काफ़ी हद तक ट्रेडिशनल लुक है, इन्फिनिक्स के अंदर हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और यहाँ पे इस लुक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे स्क्रैचेस काफ़ी आसानी से पड़ जाते हैं, जबकि यहाँ पे अगर कैमन 17 की बात की जाए तो वहाँ पे क्योंकि मैट टाइप का स्टिकर टाइप की कोई चीज़ अप्लाई की गई है तो वहाँ पे आपको इतनी आसानी से स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेंगे। एनी दोस्तों यहाँ पे अगर लुक के अलावा बिल्ड क्वालिटी के अलावा बात कर ली जाए कैमरा की साइड पे तो यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 11S के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जबकि कैमन 17 के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन्फिनिक्स हॉट 11S के अंदर जो कैमरा सेटअप इस्तेमाल किया गया है उसके पीछे जो सेंसर है वो सैमसंग का सेंसर है, जो कि सैमसंग JN1 सेंसर है और ये सेंसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ख़ासतौर पर अगर बजट सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इस सेंसर से जो इमेजेस की क्वालिटी आती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आती है। लेकिन उसी तरफ यहाँ पर अगर कैमन 17 की बात की जाए तो यहाँ पे जो भी सेंसर इस्तेमाल किया गया है वो अननोन है, वो नहीं बताया गया है। और यहाँ पे अगर हो सकता है आप लोग ये देख रहे हो कि आप 48 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल के अंदर इतना ज़्यादा कोई फ़र्क तो नहीं है, तो क्वालिटी के अंदर इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मैं हॉनेस्टली बात करूँ तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है क्वालिटी का वो सेंसर से ही आता है। और यहाँ पे कैमरे का जो सेंसर है वो इन्फिनिक्स हॉट 11S के अंदर ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किया गया है। एनीवे आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ कैमरा सैंपल आ रहे हैं जो कि कैमन 17 और इन्फिनिक्स हॉट 11S से कैप्चर किए गए हैं, आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वालिटी है वो हॉट 11S की आपको थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर मिल रही है एज़ कम्पेयर टू कैमन 17। लेकिन यहाँ पे अगर फर्दर बात की जाए सेल्फी कैमरे की साइड पे तो यहाँ पे हॉट 11S के अंदर सेल्फी कैमरा काफ़ी ज़्यादा लो रखा गया है
और यहाँ पे आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जबकि उसी तरफ यहाँ पे कैमरा 17 के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और डेफिनेटली यहाँ पे जो सेल्फी की परफॉर्मेंस है वो कैमरा 17 की ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर आपको कैमरा 17 का इन डेप्थ कैमरा रिव्यू देखना है तो वो phoneboy.com के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर लें। और बहुत जल्द हॉट 11s का भी मैं इन डेप्थ कैमरा रिव्यू अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर आप उसका वेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें, और साथ साथ फेसबुक को ज़रूर फॉलो कर लेगा ताकि अगर आपसे वीडियो यूट्यूब पे मिस हो जाए तो फेसबुक के ऊपर आपको रिमाइंडर मिल सके। एनी दोस्तों, यहाँ पे अगर कैमरा के अलावा परफॉर्मेंस की साइड पर बात कर ली जाए, कुछ इंटरनल्स की साइड पर बात कर ली जाए, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी दोनों मोबाइल फ़ोन के अंदर वो बिल्कुल सिमिलर मिलने वाली है। यहाँ पे पबजी से लेके डेली यूजेस तक जितनी परफॉर्मेंस है वो आपको ऑलमोस्ट बराबर मिलेगी। खास तौर पे यहाँ पे अगर इन्फिनिक्स हॉट 11s की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा सा बेहतर इस्तेमाल किया गया है जो कि बेसिकली मीडियाटेक G88 का है, तो परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, लेकिन डेली यूजेज के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर इतना ज़्यादा कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो हॉट 11s के अंदर मीडियाटेक G88 का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, जबकि उसी तरफ यहाँ पे कैमरा 17 के अंदर आपको मीडियाटेक G85 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और यहाँ पे ऐसे ऑन पेपर देखा जाए, टेक्निकल साइड पे देखा जाए, तो दोनों प्रोसेसर के अंदर इतना ज़्यादा कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं रखा गया है, लेकिन यहाँ पे ये है कि G88 एक लेटेस्ट प्रोसेसर है एज़ कम्पेयर टू G85, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन वगैरह आपको G88 के अंदर ज़्यादा बेहतर मिलेगी। लेकिन अगर आप डेली यूजेज के अंदर देखते हैं, यहाँ पे गेमिंग वगैरह के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे दोनों प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे पबजी दोनों मोबाइल के अंदर लैग फ्री चलेगा, या पबजी के अलावा बाकी गेम्स की भी अगर बात की जाए, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी हद तक अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। और मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे आप G88 और G85 में से कोई एक प्रोसेसर कंसिडर करने का सोचते हैं, तो मेरे हिसाब से दोनों प्रोसेसर बिल्कुल सिमिलर हैं, तो आप वैसे तो कोई भी प्रोसेसर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप G88 की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ पे G88 एक लेटेस्ट लॉन्च प्रोसेसर है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर आपको थोड़ी सी बेहतर वैल्यू ये प्रोसेसर प्रोवाइड कर देगा एज़ कम्पेयर टू G85। एनीवे दोस्तों, यहाँ पे अगर प्रोसेसर के अलावा बैटरी की साइड पर बात की जाए तो दोनों मोबाइल यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे दोनों मोबाइल को चार्ज करने के लिए 18W फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन्फिनिक्स हॉट 11s के अंदर आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है, जबकि बुरी बात यहाँ पे यह है कि कैमरा 17 के अंदर आपको सिर्फ माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से एक डाउन साइड है। और ख़ासतौर पर 2021 के हिसाब से माइक्रो USB बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सेम रेंज के अंदर जब आपको सेम कंपनी ऑलमोस्ट, क्योंकि टेक्नो इन्फिनिक्स सेम कंपनीज हैं, तो सेम कंपनी अगर आपको टाइप सी प्रोवाइड करिए तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप माइक्रो USB के बजाय टाइप सी की तरफ जाएं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगी, और साथ साथ यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र वगैरह की स्पीड है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। एनीवे दोस्तों, ये थे कुछ कंपैरिजन और कुछ डिफरेंसेस जो कि आपको दोनों मोबाइल के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों वैसे बात कर ली जाए प्राइसिंग की, अवेलेबिलिटी की और डिस्काउंटेड प्राइस की, तो यहाँ पे दोनों मोबाइल का लोकल मार्केट के अंदर आपको एक एक वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, जो कि 4GB 128GB का है इन्फिनिक्स हॉट 11s का, और 6GB 128GB का वेरिएंट है कैमन 17 का। अब यहाँ पे जो प्राइसिंग है ऑफिशियली हॉट 11s की वो 26,000 की रखी गई है, और कैमन 17 की जो ऑफिशियल प्राइस है वो आपको 25,000 के राउंड अबाउट की देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आफ्टर डिस्काउंट प्राइस की बात की जाए तो कैमन 17 आफ्टर डिस्काउंट आपको आराम से 22,500 से लेके 23,000 रुपये की रेंज में आराम से मिल जाएगा, जबकि उसी तरफ यहाँ पे हॉट 11s की बात की जाए तो ये मोबाइल क्योंकि अभी नया नया लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और ये मोबाइल फ़ोन तकरीबन आपको 24,500 के अबाउट की प्राइस टैग के ऊपर मिल जाएगा। और वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए कंपैरिजन विनर की साइड पे, तो मेरे हिसाब से हॉट 11s एक ज़्यादा बेहतर डिवाइस है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है एज़ कम्पेयर टू कैमन 17। लेकिन यहाँ पे आपको 1,000-1,500 रुपये कैमन 17 के मुकाबले में एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 1,000-1,500 रुपये को अगर आप देखते हैं तो ये एक्स्ट्रा वर्थ भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कैमरा बेहतर मिल जाएगा कैमन 17 के मुकाबले में, डिस्प्ले बेहतर मिल जाएगा, और साथ साथ यहाँ पे जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया और साथ में टाइप सी की आपको सपोर्ट देखने को मिल रही है, तो मेरे हिसाब से आपको ओवरऑल यहाँ पे हॉट 11s काफ़ी हद तक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा एज़ कम्पेयर टू कैमन 17। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएगा। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देगा, चैनल पे आप लोग नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देखें तो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर लाइक कर दें, और इस वीडियो को भी लाइक करके अपनी टाइमलाइन के ऊपर शेयर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। एनीवे दोस्तों, अगर आपको किसी मोबाइल को किसी भी मोबाइल से कंपेयर करना है, यानी कि दो मोबाइल को आपस में कंपेयर करना है,
तो आप लोग हमारी वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। phoneboy.com के ऊपर तमाम मोबाइल फ़ोन के कंपैरिजन ऑलरेडी मौजूद हैं। आपने सिंपली जाके एक साइट के ऊपर अपना फर्स्ट मोबाइल सेलेक्ट करना है और सेकंड साइट के ऊपर जाके अपना सेकंड मोबाइल सेलेक्ट करना है जिसको आपको कंपेयर कराना हो, और वहाँ पे आपको कंपैरिजन पेज मिल जाएगा जिसके ऊपर मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मेंशन है। तो ज़रूर चेकआउट करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, या फिर आप लोग गूगल भी कर सकते हैं phoneboy.com को, आपको कंप्लीट मालूमात मिल जाएगी। एनी दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखेगा। दिस इज़ शेड्यूल साइनिंग ऑफ फ्रॉम phoneboy.com। अल्लाह हाफिज़।